तो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? आज लेके आया हूँ एक और प्रोडक्ट रिव्यू 10 डेज खुद पे यूज़ करने के बाद। जी हाँ, मैं इससे पहले Lift52 पर 10 डेज रिव्यू दे चुका हूँ। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, इसीलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू अब ये चाहता हूँ कि खुद पर कम से कम 10 से 15 दिन यूज़ करो, उसके बाद ही मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊँ ताकि आपको यूज़ करने में हेल्प हो। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ आज का प्रोडक्ट। आपने थंबनेल देखा ही है, MB बर्नर प्रो। जी हाँ, ये है गाइस मसल ब्लेड्स का MB बर्नर प्रो। इसको मैंने 10 दिन यूज़ किया है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे कैसा रिजल्ट मिला है इसके साथ। आपको ये यूज़ करना है या नहीं करना है? ठीक 10 दिन पहले मेरा वेट था 71, अब मेरा वेट है 70। जी हाँ, मैंने एक किलो लूज़ किया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है गाइस? प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये मेरा फर्स्ट टाइम यूज़ था और मैं इसके रिजल्ट और अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरी डाइट लो थी। अगर आप इससे यूज़ करते हो और अपनी डाइट मेंटेनेंस कैलरीज पर कंज्यूम करते हो या थोड़ा हाई लेते हो तो ये वैसे भी काम नहीं करने वाला है, तो फिक्स है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका 10 दिन में कम से कम अगर एक अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छा वेट ट्रेनिंग करिए, जो कि मुझे अपने आप पर विश्वास था, मैंने अच्छी ट्रेनिंग की, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, कम से कम 2 से 3 किलो। जी हाँ, लोग कहेंगे सर ये आधा किलो 1 किलो आपका कम हुआ है, ये कम नहीं। गाइस ये कम है, काफ़ी कम है। बट मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों को जो कि फर्स्ट टाइम फैट बर्नर यूज़ करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई सप्लीमेंट या फैट बर्नर नहीं यूज़ किया है, तो गाइस गो विथ दिस। बट अगर आपने पहले भी कई फैट बर्नर्स यूज़ किए हैं तो मुझे नहीं लगता गाइस कि ये आपके ऊपर काम करेगा, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है गाइस कैफीन 270 mg, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट 240 mg और एल-थायनिन 1000 mg। सो गाइस कंपनी ने इन तीन स्टिमुलेंट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। कैफीन 270 mg अगर आप लेते हो, मुझे लगता नहीं कि इतना इनफ है। इतना कैफीन आप किसी बेसिक से प्री वर्कआउट में भी ले सकते हो, जो आपको एनर्जी भी देगा और आप अच्छा वर्कआउट भी कर सकोगे। इसकी MRP 1599 है और ये सेल्स में सस्ता मिल जाता है। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ पर्सनली क्या आपको यूज़ करना चाहिए, तो आप जा सकते हैं इसके साथ बिल्कुल। बट मैं इसी प्राइस में की रेंज में MB के प्री वर्कआउट्स आते हैं जो कि कैफीन सेम अमाउंट में रखते हैं। एल-थायनिन की जो 1000 mg है, इतना इनफ नहीं है कि आपको फैट बर्न में हेल्प करे। मैं खुद को यूज़ करने के बाद ये आपको बता रहा हूँ। सीरियस बात है, अगर आप एक प्रो बंदे हैं या आपको काफ़ी दिन हो गया है जिम लगाते हुए, तो ये आप पर असर नहीं करेगा। और अगर आपने कई फैट बर्नर्स यूज़ कर रखे हैं इससे अच्छे लेवल के फॉरेन ब्रांड्स या कुछ भी, तो भी ये आप पर असर नहीं। और क्योंकि ये मेरे पहली बार यूज़ किया फैट बर्नर था, ये मुझ पर अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। अगर मैं इसको 0.2/10 दूंगा, इसका मतलब एवरेज, ये एक एवरेज प्रोडक्ट है। पहली बार अगर आपको जाना है इस प्रोडक्ट से, आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं, अपने पैसे वेस्ट मत करो। इसी के प्रोडक्ट आते हैं MB के प्री वर्कआउट्स, आप वहाँ जा सकते हैं। प्री वर्कआउट्स आपको हेल्प करेंगे 1.5-2 घंटे के लिए वर्कआउट हिट करने के लिए। अक्सर ओबीज बंदा जो है, जिसके पास वेट ज़्यादा हो जाता है, वो वर्कआउट लंबा नहीं कर पाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छा वर्कआउट करो, लंबा वर्कआउट करो ताकि आप एक्सेस कैलोरीज बर्न करो, लो कैलोरीज कंज्यूम करो ताकि आपका फैट लॉस ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगा। प्रोटीन डाइट अच्छी रखिए, इनफ है, इतना इनफ है। सो गाइस और भी इंपॉर्टेंट 10 डेज रिव्यूज़ आने वाले हैं, उनके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और किस किस प्रोडक्ट का आपको 10 डेज रिव्यू चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।